नमस्कार, मैं विजय यादव, आप देख रहे हैं सर्विलांस खबर। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। श्रीमती सत्यवती देवी इन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी चंगा नरहरपुर अम्बेडकर नगर में 76वां स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम संस्था के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर एल के मिश्रा ने ध्वजारोहण किया और संवेत स्वर में पूरा स्टाफ, निदेशक, प्रबंधक व छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान का गायन किया। तत्पश्चात आजादी के अमृत वेला के शुभ अवसर पर ध्वज रैली का आयोजन किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम के नायकों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया गया। इसके बाद संस्था में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पांडे एवं संचालन डॉक्टर शिव मूर्ति कन्नौजिया ने किया। गोष्ठी को संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पांडे एवं प्राचार्य डॉक्टर एल के मिश्रा ने आजादी पर्व पर आजादी के दीवानों, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों व राष्ट्र भक्तों को याद करने के साथ उनकी कृतियों पर ध्यान आकर्षण किया। देश के इर्द गिर्द वैश्विक घटनाओं पर घटनाओं के मद्देनजर राष्ट्र की सतर्कता एवं बातें रेखांकित की गई। यह भी उद्धृत किया गया कि पाकिस्तान और भारत एक ही साथ आजाद हुए, किंतु 75 वर्षों में जहां भारत ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, सैन्य बल, शिक्षा, दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिकी आदि में शीर्ष देशों को चुनौती दिया है, तो वहीं पाकिस्तान को ब्रेड एंड बटर का भी संकट आसन्न है। ऐसा राष्ट्रीय नीतियों के वांछित संचालन के कारण ही संभव हो सका है। देश की औसत आय स्वास्थ्य शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उक्त अवसर पर राष्ट्र उन्नयन हेतु सभी छात्र छात्राओं को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ प्राध्यापक विजय प्रकाश तिवारी, राम उदय मिश्र, विपिन तिवारी, रवि प्रकाश पांडे, डॉक्टर स्वर्ण लता पांडे, दिनेश चंद्र मिश्र, डॉक्टर गिरीश चंद्र दुबे, आदित्य त्रिपाठी, संतोष कुमार, निखिल कुमार, नीरज पांडे, अंशी यादव, प्रिंसी सुप्रिया, काजल, पल्लवी आदि अध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नमस्कार।